प्यारे मित्रों, आज हम आपका कक्षा 12 का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट की मांग थी कि आप वीडियो बनाए इस पर फिजिक्स का, तो हमने तो ज्यादा देरी कर दी। वह नाराज भी हमसे होंगे, तो हम चाहेंगे कि अब आज से आपको वीडियो डेली मिलता रहे, और डेली मिलता रहे तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम बेसिक स्तर पर बातों को समझाएं, उसके बाद से इसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी कराएं आपको, तो क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलेगा इसके साथ साथ। और अगर किसी कारणवश एक दो दिन लेट हो जाए तो उसके लिए आप लोग क्षमा करेंगे, और हमारा प्रयास यही होगा कि हम आपको डेली एक एक वीडियो आपको दें। तो फिजिक्स में हम फर्स्ट पेपर पर बात करेंगे कक्षा 12 में, और हम एनसीईआरटी की किताब को कवर कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी के टोटली चैप्टर टोटली टॉपिक आपको मिलेगा। तो हम आज पहले बुक पे मतलब क्या एनसीईआरटी क्लास 12 में फिजिक्स फर्स्ट पेपर बात करेंगे, जो विद्युत से संबंधित टोटली विद्युत संबंधित है। हमको विश्वास है कि आप अगर इस वीडियो को अच्छे तरह से देखेंगे तो आपका एक अलग स्तर पर सोच विकसित होगा, और हमारा प्रयास यह होगा कि हम आपका सोच अच्छे तरह से विकसित करें, और फिजिक्स से संबंधित जो भी बातें हैं, जो विद्युत से संबंधित जो बातें हैं, ये आपको नए तरीके से समझ में आपको आए, और आप उस पर ज्यादा से ज्यादा विचार करें। हमें बातें नहीं कहना चाहते कि आप किस चीज को रटें, आपको हमारा प्रयास यही है कि आप बातों को समझें। हम जितनी बातें बोलते जाते हैं उस बात को आप सुने, और जो इंपॉर्टेंट लगे, जो आपके लिए महत्वपूर्ण लगे, उसको आप नोट करें। आज का पहला लेसन ही आपका है विद्युतीय आवेश तथा क्षेत्र, और विद्युतीय आवेश तथा क्षेत्र में फिजिक्स फर्स्ट हम 12 आवेश के बारे में केवल आज बात करेंगे। आवेश है क्या? देखिए, आवेश है नहीं कुछ, यह किसी पदार्थ पर आया हुआ गुण है, किसी पदार्थ पर आया हुआ गुण है। अब बताते हैं कि आवेश हमें कह सकते हैं कि आवेश किस तरह से, तो आवेश देखिए, हमने भी पढ़ा है कि प्रकाश की किरणें होती हैं उसमें भी आवेश पाया जाता है, तो हमें कह सकते हैं कि आवेश दो तरह से उत्पन्न किया जा सकता है, एक विकिरण रेडिएशन के माध्यम से, एक पदार्थ के माध्यम से। तो पदार्थ के हिसाब से हम विकिरण को क्या रेडिएशन हमें कह सकते हैं कि आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, और विकिरण के माध्यम से हमें कह सकते हैं। विकिरण के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ होता क्या है? तो पदार्थ में हम देखते हैं दो चीजें, क्या देखते हैं कि पदार्थ में कुछ बल ऐसे होते हैं जो बल प्राप्त होते हैं, हमें कह सकते हैं पदार्थ में जो बल, आवेश एक प्रकार का बल ही है, हमें कह सकते हैं कि यह भी एक प्रकार का बल ही है। तो अब पदार्थ दो तरह से बल लगाता है, एक सूक्ष्म और एक बाह्य। सूक्ष्म की बात करें, छोटे स्तर पर बात करें, तो जो या कोई भी पदार्थ है किसी न किसी बल के कारण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी कारण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जुड़ने का मतलब यह है कि मान लीजिए हम इसको तोड़ नहीं सकते, तो इसके बीच में दो पदार्थों के बीच में लग रहा है बल, हम उसको कह सकते हैं कि सूक्ष्म बल कार्य कर रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं नाभिकीय बल कार्य कर रहा है। तो हम इसको नहीं कर पढ़ेंगे, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि दो चुंबक को आपस में लाते हैं तो क्या करते हैं, दोनों अट्रैक्ट एक दूसरे को खींचते हैं या धक्का देते हैं। हम देखते हैं कोई वस्तु जब छोड़ते हैं तो जमीन पर गिर जाती है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, हमने विचार किया कि जो चुंबक वाला जो बल है वह और पृथ्वी पर जो खींचने वाली जो बल है किसी वस्तु को नीचे की तरफ, वह बल एक जैसे है, तो हमने मिलाने का प्रयास किया दोनों को। तो ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या किया, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इससे पहले कुछ बात कर ले। तो एक प्रकार का बल होता है गुरुत्वाकर्षण, कोई ही वस्तु हम रखते हैं तो जमीन की तरफ खींच लेता है, मतलब नीचे की तरफ खींच लेता है। दूसरा बल होता है विद्युतीय, दोनों में डिफरेंस करने का प्रयास किया। तो कोई भी वस्तु आप छोड़ते हैं तो वह नीचे की तरफ गिर जाता है, हमें कह सकते हैं कि जमीन पर गिर जाता है। दूसरा बात करें तो विद्युतीय बल इससे डिफरेंस हुआ, डिफरेंस क्या हुआ अब बताते हैं। हम देखते हैं
कि आसपास कोई भी वस्तु है वह एक दूसरे से चिपकी हुई है। देखिए चिपकी हुई है तो हम ये कह सकते हैं कि कोई वस्तु चिपकी हुई है, अगर गुरुत्वाकर्षण बल उस पर काम करता तो चिपकता नहीं। जैसे मान लीजिए पेंट वगैरह करते हैं तो पेंट गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करता है। हम कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता, वो चिपक जाता है। कील हो गया, कोई भी वस्तु या हम चिपकाते हैं कोई वस्तु कहीं भी दीवार पर चाहे कहीं भी, वह गुरुत्वाकर्षण उस पर काम करता है लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल से वो ज्यादा प्रभावी है इसलिए वह चिपक जाता है। आपको कुछ चीजें बता दें कि मान लीजिए कि हम बात करें कि किसी वस्तु पर कागज के टुकड़े रख दे और प्लास्टिक का एक छड़ ले ले या प्लास्टिक ले ले और यहां पर रखें तो यह इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, खींच नहीं रहा है। तो हम ये सोच सकते हैं कि इस कागज के छोटे टुकड़े पर गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है। हमें कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है इसलिए यह इसके साथ नहीं आया। लेकिन जैसे ही हमने इसको बाल में रगड़ा और इसको लिया तो यह इसके साथ ऊपर आ गया। तो हम सोच सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा बल इसका काम कर रहा है, मतलब कोई ना कोई गुण इसमें है जो इस कागज को खींच ले रहा है। आगे बात करते हैं कि आवेश। आवेश क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि आवेश एक प्रकार का ऐसा गुण है जो किसी भी वस्तु पर बल लगा सकता है। आप आवेश का परिभाषा लिख सकते हैं, आवेश एक प्रकार का ऐसा गुण है किसी पदार्थ पर आया, हम इस तरह कह सकते हैं आवेश किसी पदार्थ पर आया हुआ वह गुण है जो किसी वस्तु पर बल लगा सकता है। तो बल क्या लगा सकता है? बल लगा सकता है आकर्षण का भी लगा सकता है और प्रतिकर्षण का भी बल लगा सकता है। क्या लगा सकता है? आकर्षण का भी बल लगा सकता है और प्रतिकर्षण का भी बल लगा सकता है। आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों का बल लगा सकता है। अब देखिए आगे बात करते हैं तो बल किस तरह लगाता है। तो हम दो चीजें जानते हैं। हमने क्या किया, कांच को और प्लास्टिक को दोनों को आपस में रगड़ा। तो पदार्थ की अपनी एक प्रकृति होती है, आप जानते हैं कोई पदार्थ है इसमें 5 प्रोटॉन है या 5 न्यूट्रॉन है या 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यह पदार्थ आपका न्यूट्रल कहलाता है, न्यूट्रल पदार्थ कहलाता है आपका न्यूट्रल पदार्थ। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका यह न्यूट्रल होता है। तो हम एक काम करते हैं, मान लीजिए कांच हो गया और इसी तरह से प्लास्टिक ले लिया, तो प्लास्टिक के पास भी 5 प्रोटॉन न्यूट्रॉन 5 और इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। माना हम मान लेते हैं कि इस तरह की स्थिति है, प्लास्टिक है, तो यह प्लास्टिक हो गया कांच हो गया। जब दोनों को आपस में रगड़ेंगे, दोनों को आपस में जब रगड़ेंगे तो प्लास्टिक में हम देखिए क्या होता है। प्लास्टिक में हमें कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7 और इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3। मतलब कहा जाता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है प्लास्टिक में और इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो हमें कह सकते हैं, मान लीजिए कि आप हम भी पैसा कमा रहे हैं और आप भी पैसा कमा रहे हैं, तो दोनों लोग पैसा कमा रहे हैं, आप 5 रुपया कमाए हम भी 5 रुपया कमाए दोनों लोग के पास। अगर आपने हमको 2 रुपया दे दिया तो हमारे पास 7 रुपया हो गया लेकिन हम आपसे 2 रुपये कर्ज में हो गए। तो जो लेता है उसको हम ऋण आवेश कहते हैं या कर्ज कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो जब आपस में पदार्थों को जब रगड़ते हैं दोनों में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, वही कहते हैं कि आवेश इसमें से इसमें गया। तो दोनों में गुण आ गया, दोनों में गुण आ गया, इसमें 2 कम हो गया और इसमें 2 ज्यादा हो गया। तो इसमें ऋण आवेशित हो गया और जिसमें कम हुआ वह धन आवेशित हो गया। कर्ज कौन देता है? जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वही कर्ज देता है। अब आपको बता दें कि यह धन आवेशित हो गया या ऋण आवेशित हो गया। तो कहा जाता है कि कांच के पास धन आवेशित हो जाता है और प्लास्टिक के पास ऋण। जब स्थिति क्या होती है, जब दोनों को एक पास लाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, दोनों को एक पास लाएंगे तो इसके पास 2 ज्यादा है इसके पास 2 कम है, तो
तो यह दो ज्यादा दो कम के पास जाना चाहेंगे तो दोनों एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर लेंगे या चिपका लेंगे। या हमें कह सकते हैं किसी पदार्थ को जब आपस में दोनों को चिपकाते हैं तो दो तरह की आवाज आती है, स्पार्क भी करता है, चिंगारी भी निकलती है, तो हम कह सकते हैं कि वो भी आवेश है। अब देखिएगा, हम आपको बता दें जो गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी अपने तरफ किसी वस्तु को खींचती है, जो यह आवेश है, हम कह सकते हैं कि यह जो बल लगाता है 10 पे घात 27 गुना ज्यादा बल लगाता है। गुरुत्वाकर्षण बल से जो विद्युतीय बल है वो 10 पे घात 27 गुना ज्यादा है। आपको बता दें कि फ्रैंकलिन ने इसका प्रयोग किया बढ़िया बड़े स्तर पर, और स्तर पर क्या किया कि उन्होंने एक बात मिलाया कि जो आसमान में जो बिजलियां चमकती हैं क्या यह इसी आवेश का पार्ट है। तो उन्होंने देखा कि जो स्पार्क हमको यहां पर दो पदार्थों को, दो विपरीत आवेशों के पदार्थों को जब चिपकाते हैं तो आवेशों के क्या एक पर प्लस हो गया एक पर माइनस हो गया, तब दोनों को चिपकाते हैं तो या तो चिपक जाता है नहीं तो स्पार्क की घटना होती है। तो स्पार्क को जब उसने मिलाया तो एक पतंग उड़ा करके उन्होंने इसका प्रयोग किया और पता चला कि हाँ दोनों बातें एक ही जैसी है। और थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या बात है। अब फ्रैंकलिन से संबंधित कुछ बातें, तो देखिए कुछ बातें निकल के इसमें से आई, क्या बातें निकल के आई कि कोई पदार्थ, अब मान लीजिए हमने दो पदार्थों को आपस में रगड़ा, इसके पास आ गया इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, फिर दोनों को आपस में क्या किया चिपकाया। तो अब देखिए, मान लीजिए देखिए इन्होंने प्रयोग किया है, रेशम का कपड़ा लिया और रेशम के कपड़े पर हम कह सकते हैं कांच को रगड़ा, इसको प्लास्टिक को रगड़ा, इस पे आ गया ऋण, इस पे आ गया धन। धन क्या मतलब, इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तो दोनों एक दूसरे को चिपका लेंगे या चिपक जाएंगे। हमें ये बात बताना चाहते हैं कि और उसके बाद से चिपकने के कुछ देर बाद दोनों आपस अलग अलग हो जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि कोई भी जो आवेश जब काम कर रहा है तो इसका मान फिर जीरो हो जा रहा है। तो आपको बता दें फ्रैंकलिन ने इस पर विचार किया और उन्होंने कहा कि इसको परिभाषित करने का कोई दूसरा माध्यम नहीं है। हम जानते हैं कि गणित में माइनस दो और प्लस दो जीरो हो जाते हैं, तो हम भी इसी सिद्धांत से हम बता दें कि जो आवेश होंगे, आवेश का नाम रखा जाएगा माइनस और प्लस, क्योंकि माइनस माइनस दो और प्लस दो जीरो हो जाते हैं। जिस तरह से दो पदार्थों को आपस में रगड़ करके एक पास लाते हैं कुछ समय बाद जीरो हो जाते हैं, जिस तरह से माइनस और प्लस जीरो हो जाते हैं, तो फ्रैंकलिन ने ही इसका नाम रखा चार्ज का, धन आवेश और ऋण आवेश। तो इसको हम ऋण आवेश कहते हैं, ऋण आवेश, इसको धन आवेश कहते हैं। तो फ्रैंकलिन के अनुसार नाम रखा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उसे ऋण आवेश कहेंगे, नेगेटिव चार्ज कहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन को देता है उसके उसे हम धन आवेश या पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। अब थोड़ा सा आप बात कर लेते हैं कि कुछ बातें हैं, हमने कुछ सारणियां बनाई है, कुछ सारणी क्या बनाई है, फैराडे की स्थिर विद्युत की सारणी आपको बता देते हैं कि हमने कुछ पदार्थों को यहां पर क्रम में सजाया है, कांच, फरालेन, ऊन, सिल्क और कोई भी धातु हो गया, रबड़ हो गया, मोम हो गया, प्लास्टिक हो गया, गंधक हो गया। यह नीचे के तरफ ऋण और ऊपर के तरफ प्लस है, मतलब कि जब फरालेन और कांच को रगड़ेंगे तो कांच पर आ जाएगा प्लस चार्ज और फरालेन पर आ जाएगा माइनस चार्ज। बात समझ में आई, रबड़ को और ऊन को आपस में रगड़ेंगे तो ऊन पे आ जाएगा आपका प्लस चार्ज और रबड़ पे आ जाएगा आपका माइनस चार्ज। लेकिन वही बात रबड़ को और हमें बात करें ऊन को, ऊन पर प्लस आ जाएगा और रबड़ पर माइनस, फिर हम क्या करें, मतलब कि ऊपर वाला जो भी होगा प्लस हो जाएगा और नीचे वाला जो भी होगा वो माइनस होगा। अब हम बात कर लेंगे मोम, मोम पर और मोम को और कांच को आपस में रगड़ेंगे
मोम और कांच को आपस में जब रगड़ेंगे तो कांच पे हो जाएगा प्लस और मोम पे हो जाएगा माइनस, लेकिन यही मोम और गंधक को आपस में रगड़ेंगे तो यहाँ पर गंधक हो जाएगा माइनस और मोम हो जाएगा प्लस। ऊपर वाला जो होगा प्लस होगा, नीचे वाला जो होगा वो माइनस चार्ज रखेगा। अब कुछ बातें बताते हैं कि आवेश को जब रगड़ते हैं तो हमें कह सकते हैं कि हमेशा यह जोड़ी में उत्पन्न होता है, कहीं किसी पे प्लस आएगा तो कहीं किसी पे माइनस उतना ही आएगा, यह हमेशा जोड़ी में उत्पन्न होता है। हमें कह सकते हैं कि आवेशीकरण क्या होता है, तो आवेशीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि पदार्थों को रगड़ के आपस में और उसको आवेशित किया जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन बोलते हैं या आवेशीकरण बोलते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रॉन थ्योरी लगभग उसी समय जिस समय बातें चल रही थी उसी समय नाभिक का भी खोज चल रहा था, क्या बोलते हैं हम बोलते हैं रदरफोर्ड थॉमसन जितने लोग थे सभी लोग खोज कर रहे थे, और उनके अनुसार उन्होंने भी इस बात को बताया किसी भी पदार्थ के नाभिक में प्लस चार्ज होता है और प्लस चार्ज होता है और जो प्लस होता है उसी के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और कहा जाता है कुछ किसी परमाणु का कुल आवेश जो होगा वो शून्य होगा। क्यों शून्य होगा भाई, प्लस चार्ज उतना ही होगा माइनस चार्ज जो उतना ही होगा, तो दोनों आपस में क्या होते हैं शून्य होते हैं, ये हमेशा जोड़ी में बनते हैं, ये भी बात हमने बताया है। इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है जो मास होता है वह प्रोटॉन के मास से 1839 गुना छोटा होता है, या हमें कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो होगा तो हमें कह सकते हैं एक प्रोटॉन जो होगा इलेक्ट्रॉन से 1839 गुना बड़ा होगा। तो हमने इस चीज को बताने का प्रयास किया और इस चीज को आप नोट्स के तौर पे बना सकते हैं, और हमारा प्रयास बढ़िया से रहेगा कि आपको इसको बढ़िया से समझाएं, या वीडियो आपको अच्छे तरह से अच्छा लगे तो हमको जरूर बताएं, हम इस पे और अच्छे तरह से काम करेंगे। और एक बात और बता दें, आवेश का हमने परिभाषा अभी बताया कि आवेश किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं एक अच्छे तौर पे कि आवेश किसी पदार्थ पर आया हुआ वह गुण है जो किसी अन्य पदार्थ पर बल लगा सकता है या बल लगाता है। तो बल लगाता है तो बल लगाएगा आकर्षण और प्रतिकर्षण का। हमने इस सारी चीजों को समझाने का प्रयास किया और हमारा प्रयास रहेगा कि हम और आगे अच्छे तरह समझाएं, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बच्चों तक पहुंचाएं, और सबको बताइए कि हम क्लास 12 का फिजिक्स स्टार्ट कर चुके हैं और आज पहला वीडियो है, डेली आपको वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।